हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। इससे पहले बताना चाहता हूँ, हमारे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे डेली करंट अफेयर्स और पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो आज की इम्पोर्टेंट खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि DSSB के अंदर अपनी एक अलग मेरिट है। सपोज करो, जैसे 100 वैकेंसीज आई हैं जनरल की, तो उस वैकेंसीज में क्या है, आपको पता है 40% मार्क्स उस जनरल कैंडिडेट को वहाँ पे लेने पड़ेंगे। अगर 40% से कम मार्क्स आते हैं, कम से कम अगर 40% से कम मार्क्स आते हैं दोनों पार्ट्स में, तो फिर क्या होता है कि जो आपकी वैकेंसीज हैं वो अगर खाली भी चली जाए तो कोई वो नहीं है। सपोज करो 20 ही कैंडिडेट्स ऐसे मिले जिनके 40% से ज़्यादा मार्क्स हैं और दोनों पार्ट्स में उनको मार्क्स लेने, तो अगर ये कोई से भी पार्ट में अगर फेल हो गया तो इसमें क्या होता है कि जो वैकेंसीज है खाली भी रह सकती हैं कितनी भी। तो इसके रिगार्डिंग केस था, और केस में क्या था कि ये मांग थी कि कट ऑफ उनको नीचे करनी पड़े तो नीचे करनी चाहिए, लेकिन साथियों उसमें जो DSSB है वो केस जीत चुका है। हालांकि ये देखा जाए तो कुछ गलत भी है, और DSSB की तरफ से देखा जाए, DSSB ने जो बताया कोर्ट में, तो कोर्ट ने उस चीज़ को माना कि हाँ आप जो हैं वो सही हैं, आपकी जो कट ऑफ बनी हुई है वो सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे वैकेंसीज खाली रहें, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष दिया होगा, बताया होगा कि भाई हमने कट ऑफ लगा रखी है और इस कट ऑफ को भी अगर कैंडिडेट पार नहीं कर रहा है तो हमें मतलब उस लेवल के टीचर नहीं मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है आप लोगों के लिए, और DSSB ने अपना पक्ष रखा और उस पक्ष में जो बताया तो कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये आपकी बात सही है। तो इस हिसाब से क्या है, जो बात चल रही थी पहले कि वैकेंसीज पूरी करनी है, अब वो क्लियर हो चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और DSSB ने जो अपना पक्ष दिया है उसके हिसाब से चाहे कितनी भी वैकेंसीज खाली रह जाए तो DSSB उसको दोबारा रिक्रूटमेंट करके निकाल सकता है, लेकिन उस वैकेंसीज को कट ऑफ नीचे नहीं कर सकता, जिनकी कंडीशन पूरी नहीं है कैंडिडेट्स को उनको नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है आप लोगों के लिए। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।